राम रतन शिवचो नरेंद्र। मामला कोई पहले था, कोई उनका मामला, कोई लड़की का, कोई ब्याह करवा के ले गया वो लड़की से, शादी करवाई है उसने लड़की से, किसी जय जय कॉलोनी की कोई लड़की है, उसने उस पर केस कर दिया सन्नी पे, और उसके बदले मेरे लड़के को लेके उठा के रात को 10 बजे 10:30 बजे तीन गाड़ी थी, तीन बबली है, मैं उनकी वाइफ हूँ नरेंद्र की है, मैं मेरे हस्बैंड को छुड़वा रही थी, मैंने कहा इंसान की तरह लेके जाओ उसको, यहाँ कोर्ट का कॉलर पकड़ के घसीड़ घसीड़ के लेके गए हैं जी। कुछ भी नहीं था जी, मेरे हस्बैंड तो कहीं जाते भी नहीं है मेरे हस्बैंड, और घर में ही रहते हैं वो, बाई चांस देखो सड़क पे तो बैठ जाते हैं जेंट्स है, टाइम से नहीं नींद आती उनको घर पे, तो वो ऐसे एल बैल बिल्कुल भी नहीं है जी मेरे हस्बैंड, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है जी किसी बात में, वो कहते हैं कि जबरदस्ती ये सन्नी से बात कर रहा था, लेकिन मेरा हस्बैंड सन्नी से नहीं बात कर रहा, हमें यही नहीं पता सन्नी मर रहा है या जी रहा है, हमें यही नहीं पता जी। ये कल रात्रि को अपने महिला थाना सरसा की अपने सुशीला एएसआई थे, उनके पास एक अभियोग दर्ज था जिसमें शिव चौक निवासी सन्नी वो नामजद आरोपी था, तो जिस पर उन्होंने कल शाम को जब रेड कंडक्ट करी तो उस दौरान रेड में जो सन्नी आरोपी के आसपास के जो पड़ोसी थे उन्होंने, जो महिला पुलिस टीम थी हमारी महिला थाने की, उनके साथ रबद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा डाल के उन्होंने जो अपराध घटित किया उसका रात्रि को हमने एएसआई सुशीला के कथन पे अभियोग दर्ज कर दिए। सर आरोपी को भगाने की भी कोशिश की गई थी जी, ये कल रात्रि को जब सुशीला जी ने शिकायत दी सरकारी कार्य में बाधा अभद्र व्यवहार, उसके साथ उन्होंने ये भी दिया है कि जो सन्नी था उसको पड़ोसियों ने भगाने का प्रयास किया, तो जो अब अभियोग हमने दर्ज किया है उसमें सरकारी कार्य में बाधा अभद्र व्यवहार धक्का मुक्की प्लस आरोपी को भगाने का प्रयास, ये हमने उसमें अभियोग दर्ज किए।